की करिश्मा XMR पर काफी सारी नई चीज होने वाली है जो अभी तक आपने इसमें नहीं देखी होंगी। बाइक चलाते हो तो एक अलग ही मजा आता है, चलाने में भी और देखने में भी। और चार लोग देखते वही पूछते कहाँ से कराया, और आप बताते हो SKD वाइवल से कराया था। ये पल्सर की आ गई, R5 की आ गई, ये हिमालयन 440 की आ गई चुकी है, चेक करो आप। तो ये रेडिएटर ग्रिल होती है, इनकेस कभी पत्थर कोई राइडिंग के दौरान कोई चीज़ लगती है तो आपका रेडिएटर डैमेज ना हो, इसका रेडिएटर ग्रिल भी इसमें लगाने वाले हैं। और उससे पहले फॉग लैंप HOG की ओरिजिनल, जिससे किसी भी तरीके के बाइक की बैटरी पर और आपकी जो है वायरिंग वगैरह पर इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई आप इसका फोकस देखो यार, क्या तो फोकस है भाई। अगर आप इसको दबाते हो तो वाइट, ये देखो ये अच्छा लग रहा है। और इसकी फिटिंग जेन्युइन है सर, 4 प्रोडक्शन 4 स्लाइडर्स में लगे हुए, सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए सेफ रहते हैं। और डिज़ाइन भी कितना ज़्यादा क्लीन लगा दिया, ये फुल्ली जो है मेटल में है। तो टेल टाइट लग गई है, और टेल टाइट लगने के बाद सो हे गाइस वेलकम बैक टू SKD वेबल। कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम इसकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD वेबल। तो ये फिर से SKD वेबल से आप लोग लेकर आ चुके हैं करिश्मा XMR की मॉडिफिकेशन। वैसे तो इस पर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं आज, और काफ़ी सारी इसमें हो चुकी हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो HOG की ओरिजिनल यहाँ पर वाई वाली फॉग लैंप्स लगी हुई। इसको लगाने के बाद रात में अगर आपने इसका इग्निशन ऑन कर दिया तो आपको लगेगा नहीं कि रात है, क्योंकि इसका जो रोड का प्रेजेंट है ना, फॉग लाइट का जो फोकस है, जो उसकी मार है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें 2 कलर मिलते हैं आपको अगर आप हार्नेस वायरिंग के साथ में लगवाते हो, क्योंकि इसमें हमने हार्नेस वायरिंग के साथ में लगा रखी है। तो इसमें काफ़ी सारे मोड्स और ही मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्विच आता है, इसकी हैंड ग्रिप भी चेंज होने वाली है, और यहाँ पर हमने विंगलेट लगा दी है। इसके अलावा 4 प्रोडक्शन लग गए हैं ब्लैक कलर के, और हॉर्न भी अंदर लग चुके हैं, फ्रेम स्लाइडर लग चुके हैं, सीट कवर लग चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत काम रहता है तो उसे कंप्लीट करके, और बैक साइड पे आप चेक करो उसकी टेल टैडी। तो ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं यार, तो ये चेक करो आप, बाकी फाइनल में दिखाएंगे। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि इसमें मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया, तो अभी कुछ कंडीशन यहाँ तक पहुँची है इसकी, फाइनल पे दिखाते हैं आपको टोटल। जब तक आप देखो सिनेमैटिक, फिर आप बताना कि फाइनल पे आपको कैसी लगी बाइक। और इस तरह के काम कराने के लिए आपको आना है दिल्ली करोल बाग नेवाला मार्केट 4 SKD बाइक वर्ल्ड। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ गाइस आप लोगों की करिश्मा XMR पर। काफ़ी सारी नई चीज़ होने वाली हैं जो अभी तक आपने इसमें नहीं देखी होंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ उसका रेडिएटर ग्रिल लगाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके का आते हैं अलग अलग बाइक्स के। तो इसका रेडिएटर ग्रिल भी इसमें लगाने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमने इस बार लगाई हैं। तो बाकी स्टार्ट कर देते हैं फ्रंट से। सबसे पहले यहाँ पर जो PPF लेमिनेशन की गई थी फुल बाइक को, और इसके अलावा इसमें जो है मैट कलर के साथ इसको ब्लैक कर दिया गया है। यहाँ पर लगा दिया वाई वाली फॉग लैंप HOG की ओरिजिनल, और ये हार्नेस वायरिंग के साथ में है। हार्नेस वायरिंग इसकी खुद की एक वायरिंग होती है, जिससे किसी भी तरीके के बाइक की बैटरी पर और आपकी जो है वायरिंग वगैरह पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इस तरीके का स्विच आता है, इसका मैं इग्निशन ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ एक रेड है, एक नीचे ब्लू रहता है। रेड वाला जैसे आपने बटन दबाया, अब इसका फोकस देखो यार, क्या तो फोकस है भाई। इसके अलावा दोबारा अगर आप इसको दबाते हो तो वाइट, ठीक है जी, तीसरी बार में ये येलो वाइट हो जाता है। और अब इसके कर देते हैं बंद, जो नीचे वाला है ये करेगा फ्लैशिंग, ये देखो। अब इस फ्लैशिंग को चाहे वाइट पे ले लो या किसी पे ले लो, या फिर इसको हम 1 सेकंड होल्ड करके बंद भी कर सकते हैं। फिटिंग देख लो सी कितनी ज़बरदस्त है, ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इसमें जो है चीज़ें लगी हुई हैं। बाकी यहाँ पर एक विंगलेट लगा रखी है ब्लैक कलर की, इसमें काफ़ी सारे कलर और मिल जाएंगे अपने पास, वहाँ दिखाना एक बार। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसकी फिटिंग जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कोई फालतू पेच लगाया है, जेन्युइन फिटिंग के अंदर चीज़ें इसमें आ गई। रेडिएटर ग्रिल मैं आपको दिखाता हूँ और उसको लगा के भी दिखाऊंगा, फिलहाल आप ये चेक करो बाकी की चीज़ें। 4 प्रोडक्शन 4 स्लाइडर्स में लगे हुए, सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए ब्लैक कलर के, बाकी इसमें काफ़ी सारे कलर और मिल जाएंगे। तो कितने खूबसूरत से लगते हैं और कितने हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ। इसका लगाने के बाद आपके डिस्प्ले पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई स्क्रैच नहीं आता, सस्पेंशन भी सेफ रहते हैं, और डिज़ाइन भी कितना ज़्यादा क्लीन आता है। और ये देखो छोटी छोटी चीज़ें कराने के बाद जब आप बाइक चलाते हो तो एक अलग ही मज़ा आता है, चलाने में भी और देखने में भी। और चार लोग देखते वही पूछते कहाँ से कराया, और आप बताते हो SKD वाइवल से कराया था। तो ये देखो, बाकी यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स, जो कि बहुत ही हैवी है ये भी। बाकी इसका क्रैश गार्ड भी बहुत जल्दी अपने पास आने वाला है, और जिन लोगों को जल्दी चाहिए तो वो टाइम से आ जाएं सुबह 10 बजे, उनको सेम डे इसका क्रैश गार्ड बनवा के मैं दे दूंगा हैंड टू हैंड, जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से, ठीक है जी। इस साइड भी लगा हुआ है, इस साइड से भी दिखा देना एक बार। तो ये चीज़ है, और इसके अलावा इसमें हॉर्न लगाए, और ये जो है चीज़ें तो फ्रंट की हो गई। एक बार हैंडल बार पर जाते हैं, हैंडल बार पर यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर देखने को मिलेगा जो बहुत ही छोटा सा है, और लेकिन इसमें किसी भी तरीके का फ़ोन लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, देख रहे हो। एक बार जो आपने फ़ोन लगा दिया क्योंकि फुल्ली जो है मेटल में है। तो ये चीज़ हो गई हैंडल बार की, कुछ लुक ये वाली आ रही है। बैक साइड में सीट कवर्स वगैरह जो हर बार की तरह आपने देखे होंगे वीडियो में, यहाँ बैक साइड में ये पूरा सेटअप हटा दिया इसका जो आता है ना पीछे से। तो टेल टाइट लग गई है, और टेल टाइट लगने के बाद ये वाला लुक है इसका।
बाकी अपने पास टायर हैगर वगैरह मिल जाएगा, जिन लोगों को टायर हैगर चाहिए प्रीमियम तो वो भी अपने पास मिल जाएंगे। तो ये है इसका क्लीन लुक कंप्लीट। और बाकी हैंड ग्रिप चेक करो आप, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैंड ग्रिप्स में लगा रखी है। बाकी अपने पास काफ़ी सारी हैंड ग्रिप्स और मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं, जो गलती से ही बाइक गिरता है, क्योंकि अभी नई नई बाइक निकली है तो इसका सामान वगैरह पार्ट वगैरह आसानी से मिलता नहीं है, तो बेहतर यही है इसकी सेफ्टी करें आप इसके सामान की। तो इसके लिए यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं, बाइक गिरी तो आपका क्लच और लीवर डैमेज नहीं होंगे, ये देख सकते हो। तो ये वाला पार्ट है और अब ये है इसका कंप्लीट लुक। अब मैं इसमें लगा देता हूँ रेडिएटर ग्रिल, और रेडिएटर ग्रिल लगाने के बाद आपको रेडिएटर ग्रिल दिखा देते हैं कि वो कैसा लुक आता है, उसका क्या यूज़ होता है, क्योंकि रेडिएटर सेंसिटिव पार्ट है। राइडिंग के दौरान कोई पत्थर लगता भी है तो रेडिएटर आपका डैमेज हो सकता है। और ये कुछ इस तरीके का, अब लगा के आपको दिखाते हैं रेडिएटर ग्रिल और फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस चाहे बाइक कोई भी हो आपकी, ये होती है रेडिएटर ग्रिल। ये देखो गाइस इधर चेक करो, ये पल्सर की आ गई, ये R5 की आ गई, ये हिमालयन 440 की आ गई। इसी तरीके से आप लोगों की XMR की भी रेडिएटर ग्रिल मेरे पास आ चुकी है, जो कि इसके अंदर लग चुकी है, चेक करो आप। तो ये रेडिएटर ग्रिल होती है, इनकेस कभी पत्थर कोई राइडिंग के दौरान कोई चीज़ लगती है तो आपका रेडिएटर डैमेज ना हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ग्रिल आ चुकी है। और ये लग चुकी है आप लोगों की करिश्मा XMR पर। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैंने आपको दिखाई, विंगलेट दिखाई, फोर्क प्रोटेक्शन, फोर्क स्लाइडर, फॉक लैंप, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाया मैंने मोबाइल होल्डर साथ में चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, वो भी फास्ट चार्जिंग, फ्रेम स्लाइडर्स, बैक साइड में मैंने आपको दिखाया पूरा टेल टैडी वाला सेटअप। इसी तरीके से काफ़ी सारी वीडियो आपको और मिलेंगी मेरे चैनल पर करिश्मा XMR की, आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल पर बात कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।